चाहिए, इसमें राजनीति होना नहीं चाहिए। ये हैदराबाद का जो घटना घटी है, ये पूरा के पूरा हिंदुस्तान गुस्से में भी है, दुखी में भी है। आप जो राजनीति का बात कर रहे हैं, 2015 से डाटा दिखा रही है, ये डाटा का बात नहीं है, पूरा महिला का बात है। हम किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सब लोग तो सोचते हैं जो हम किसके साथ बात करके ये सब सोल्यूशन होगा, किसके लिए हम कैंडल लाइट प्रोटेस्ट करते हैं? हम लोग पुलिस के ऊपर ये देते हैं तो किस लिए हम करते हैं? क्या हम पुलिस के सरकार के खिलाफ मिशिल कर रहे हैं? क्या आप सांसदों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? संसद के खिलाफ सदस्य, देखिए इधर देखिए सर, ये हमको डरना चाहिए। जो ये रेप के बाद सब जो महिला सब बाहर जाने के लिए डरता है, लेकिन जो रेपिस्ट है वो बाहर जाने के लिए नहीं डरता है, क्योंकि कानून उसको डराता नहीं है। हमारे घर में भी हो सकता है सर, हमारा बेटियों के साथ भी हो सकता है सर। ऑन बिहाफ ऑफ और ये आपको इजाजत नहीं दी मैंने आपको इजाजत राम मोहन नायडू राजनीति नहीं यार, राम मोहन नायडू घटना है। आप बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए माननीय सदस्य, बैठ जाए माननीय सदस्य। एक बात मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप ऐसे खड़ी रहेंगी तो आइंदा इजाजत नहीं मिलेगी माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, अगर माननीय सदस्य आप मेरे कहने के बाद भी इस तरीके के बोलते रहेंगे तो माननीय सदस्य अगली बार आपको इजाजत नहीं मिलेगी। राम मोहन नायडू जी सर, ऑन बिहाफ ऑफ तेलुगु देशम पार्टी, मैं ठीक तरीके से चर्चा कर रहा हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ तेलुगु देशम, आपस में आप क्यों चर्चा कर रहे हैं? ऑन बिहाफ ऑफ तेलुगु देशम पार्टी वी स्ट्रांगली कंडेम what has happened in Hyderabad sir, not just us, I think the whole house strongly condemns this kind of act. Sir, one thing sir, the moment that incident happened, before that incident the young doctor called her sister sir, and what she said to her sister in Telugu she was speaking sir, bhayam estundra, she was saying that I'm scared sir, I'm afraid. That is not just the fear of that incident that lady was feeling sir, it is what every girl, every woman, every mother, every sister in this country is feeling sir. That is the responsibility the house should take to create a strong law where death penalty should be the only punishment when such heinous crimes are committed sir, and it should be as the serious law making body, the priority should be in protecting our women sir, and also there should be gender sensitization sir. Everyone, even the men, the boys, they should be taught that no means no sir, wherever, whenever it is a no means no. These kind of education should be given right from childhood in schools, colleges, workplaces, organizations, wherever. This is also something that we have to overlook sir, and I request the central government to take this seriously. We have to create a strong law. After Nirbhaya also, all these incidents they have increased sir, all over the country they are happening sir. Mahatma Gandhi has said sir, when the women of this country can walk freely at 12 o'clock in midnight sir, that is when we have sir. माननीय राजनाथ सिंह जी संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, उनका प्रश्नकाल है, राज्यसभा में उनका प्रश्नकाल है, इसलिए संवेदना प्रकट करके अदर हाउस में जाना चाहिए। एक मिनट आप बैठ जाए, आपको इजाजत दे दी। नो 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 माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाए। माननीय सदस्यगण सब आपको एक बार पूरा मौका दे दिया। सदन में माननीय सदस्य इस तरीके से अवमानना करेंगे तो मैं सदस्यों को मौका नहीं दूंगा। माननीय रक्षा मंत्री जी, सदन के उपनेता। अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद की जो यह घटना घटित हुई है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता। और अध्यक्ष महोदय, सचमुच जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, यह सारा देश इस घटना को लेकर संसार हुआ है, सभी आहत हुए हैं, और मैं देख रहा हूं कि सदन में चाहे किसी भी दल से संबंधित हमारे सदस्य हों, सबने इस घटना की जहां भर्त्सना की है, वहीं पर यह भी अपेक्षा की है कि इसमें जो भी अपराधी है उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और आप भी जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि जब निर्भया कांड हुआ था तो निर्भया कांड के बाद एक कठोर कानून बना था, और लोगों ने उस समय यह मान लिया था कि शायद इस घटनाओं में काफी हद तक कमी आएगी, लेकिन उसके बाद भी उसी प्रकार के जो जघन्य कृत्य हो रहे हैं,
तो इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि सदन में भी आप चर्चा कराना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सारे सदन की भावनाओं को देखकर इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी प्राविजन करना होगा यह सरकार वह प्राविजन करने को तैयार है। लेकिन यह आपके ऊपर अध्यक्ष महोदय निर्भर करता है कि आप चर्चा कराना चाहते हैं चर्चा कराइए, सुझाव सदन के आने दीजिए। किसी भी सूरत में अध्यक्ष महोदय सचमुच मैं यह कहना चाहता हूं मेरे पास शब्द नहीं है कि जिन शब्दों के माध्यम से इस घटना की मैं भर्त्सना करूं। हम सभी आहत हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप सारी सभी सदस्यों की भावनाओं से अवगत हुए हैं, आप यह फैसला करें, चर्चा कराना चाहते हो तो चर्चा कराएं और जिस भी प्रकार का कठोर कानून बनाने पर सहमति बनेगी हम उस प्रकार का कानून बनाने को तैयार हैं। स्पीकर सर, थैंक यू सर। 26 नवंबर जो संगठना हुए थे, जो डॉक्टर दिशा, ये जस्ट बिकॉज ऑफ पुलिस फेल्योर एंड मोर ओवर ये दुर्घटना से पहले वहीं हाजीपुर भुवनगिर जिले में 9 महीने की लड़की मां के गोद से उठा के लेके गए, रेप करके मर्डर किए, तो सेशन कोर्ट उनको फांसी दिए, हाई कोर्ट उसको फांसी लाइफ इंप्रिजनमेंट दिए। सर मैं ये सदन के सामने ये रखना चाहता हूं, मां के गोद से 9 महीने बेटी को उठा के ले जाके रेप करके मर्डर किए, तो आदमी को इतने दिन फांसी डालने का क्यों रोके? ये सदन ये इसको सरासर इमीडिएट वो इंप्लीमेंट करना है। निर्भया में 7 साल हो गए, निर्भया एक्ट बना के निर्भया गठन हो के दिल्ली में अभी भी सर फांसी नहीं दिए। सर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सर, वो कोयंबटूर हो वो झारखंड में भी हो, इवन 2016 ये एनसीआर पे रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान में 4,816 रेप्स हुए, उत्तर प्रदेश में 4,816 रेप हुए, महाराष्ट्र में सर फाइनली सर बोले आप अपनी बात के लिए, आप राजस्थान में घटना घटी है उसका विवरण मत करो और प्रदेशों का विवरण मत करो, राजस्थान की घटना भी नो कंक्लूड हो गया ना माननीय सदस्य, आप क्यों पैरवी करते हो उनकी? मैंने कंक्लूड करने का मौका दिया, राजस्थान में ये घटना घटी है, बहुत सारी घटनाएं घटी राजस्थान में, अभी घटना घटी है, ऐसे टिप्पणी मत करो और चीज की आप। नो प्लीज बैठ जाइए आप कंक्लूड करें। डिमांड करना चाहता हूं सर कुछ, सर मोदी जी मन की बात बहुत सुन लिए सर, चलो हमारे हो गया ना, नोटिंग नहीं हो, चलो आगे बढ़ो। माननीय हमारी श्रीमती जसकौर मीणा जी, हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, तेलंगाना की घटना जिस दर्दनाक घटना और निंदनीय घटना है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन अभी अभी टोंक में 12 साल की बच्ची के साथ जो दुर्घटना हुई है और जिस तरह का अत्याचार हुआ, राजस्थान की सरकार ना तो उस पर ध्यान दे रही, और इससे पहले भी राजस्थान की सरकार ने थानागाजी की घटना पर केवल मात्र उस अपराधी को नौकरी देकर, हाँ मैं बंद करा, मानेसर आपके सदस्य समझाए आपको, कोई रिकॉर्ड नहीं है मान्य सदस्य जान, नहीं एक मिनट किसी को मौका नहीं। अब माननीय रक्षा मंत्री जी बोलिए, मैं बैठ जाए। माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों की माननीय सदस्य नेता, आप माननीय सदस्यगण, मैं सभी सदस्यों की एक मिनट मैं सभी सदस्यों की